यह अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि इस वर्ष सरस आजीविका मेला का आयोजन नोएडा हार्ट सेक्टर 33 में किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं यहाँ पर आए स्वयं सहायता समूह की बहनों का, दीदियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। उनके प्रोत्साहन, हिम्मत व उद्यमिता की भावना का स्वागत करती हूँ। आज ग्रामीण विकास विभाग के सरस मेले में जैसे क्रामिक कार्यक्रमों के कारण समूह की बहनें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ चुकी हैं। वह अपने हौसले से कठिन चुनौतियों का सामना कर निरंतर नई आजीविकाओं का सृजन कर रही हैं। सरस केस द्वारा हम अपनी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कार्यकुशलता, मार्केटिंग, नए आजीविकाओं में दक्षता व आर्थिक आत्मनिर्भरता की और बढ़ने में मदद कर रहे हैं। अब आप अपने घर की शोभा जम्मू कश्मीर के ड्राई फ्रूट, बिहार और आंध्र प्रदेश की सिर्फ साड़ियां, केरल के बने जूट बैग व मसाले इत्यादि जैसे कई शुद्ध स्वदेशी उत्पादकों से बढ़ा सकते हैं। इस मेले में आप सब परिवार सहित देश भर के विभिन्न पकवानों, उत्पादों व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुक उठा सकते हैं। अतः मैं आप सभी को सब परिवार इस सरस आजीविका मेले में नोएडा हाट में आने के हेतु निमंत्रण देती हूँ, ताकि आप भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ देश की प्रगति में भी, आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को पूरा करने में और महिलाओं को सशक्त करने में, आप जानते भी हैं कि जब देश की महिला आत्मनिर्भर होती है तो देश अपने आप आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ता है। इस बार के बजट में महिलाओं को फोकस करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी आजीविका की दीदियां काम कर रही हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से कर रहे हैं। आइए पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ और हम सब लोग मिलकर के उस मेले में आकर के दीदियों का हौसला बुलंद करेंगे, अपने देश स्वदेशी उत्पादकों से घर की शोभा बढ़ाएंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। जय हिंद, जय भारत।